हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? सब सही है, सब सही ही रहेगा दोस्तों, चिंता मत करिए। कोरोना आया है, कोरोना जाएगा जरूर। अपने लाइफ में एक मेजर परिवर्तन जरूर हो रहा है कि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड को और अच्छे से एक्सेप्ट कर चुके हैं, और ऐसे कई अपॉर्चुनिटीज अब मार्केट में नजर आ रही है जो ये डिजिटल वर्ल्ड का जो एक्सेप्टेंस है इसके कारण इमर्ज हुई है। तो मैं बहुत आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने उन अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दिया है और उन अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने में लगे हुए हैं। क्या कहा आपने? नहीं ध्यान दिया है? आपको नहीं पता? दोस्तों क्या बात कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से घर पे बैठे हैं और घर पे इतना कुछ कर रहे हैं हम, उससे समझ में तो आ ही रहा है कि किस किस सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, क्या चाहिए? कॉमन सेंस। तो दोस्तों आज के फेस टू फेस सीरीज के अंदर में इसकी बात करेंगे, कॉमन सेंस। अगर आप अपना कॉमन सेंस को उत्तेजित रखें, अगर आप कॉमन सेंस को बिलीव करें, तो मेरी 100% आपको गारंटी है कि आप अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई जरूर कर पाएंगे। लेकिन मैं अपने गेस्ट को बुलाने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। दोस्तों 16 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे, जरा सोचिए। 1 मिनट का समय दे रहा हूं दोस्तों, जरा सोचिए 16 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे। कुछ याद आया दोस्तों? कुछ याद आया 16 साल की उम्र में आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? दोस्तों मुझे याद है कि 16 साल की उम्र में मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है। ऑल्दो तो मेरा परिवार शेयर बाजार से पिछले 3 पीढ़ी से जुड़ा हुआ है, बट 16 साल की उम्र में भी मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे शेयर बाजार में ही अपना करियर बनाना है। और दोस्तों मेरे साथ जो मेरे गेस्ट आज आए हैं, उनको 16 साल की उम्र में ये इनलाइटनमेंट आ गया कि मुझे शेयर बाजार में ही अपना करियर बनाना है, और वो जो काम कर रहे हैं अब शेयर बाजार में बहुत ही सराहनीय है, अच्छा काम कर रहे हैं, और उनसे तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को बनता है। तो इस फेस टू फेस में दोस्तों मैं स्वागत करूंगा मेरे प्रिय मित्र मिस्टर पंकज सिंघल को। पंकज भाई। हाय विवेक, कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू, आई कैन सी यू, बहुत अच्छे से हम आपको देख पा रहे हैं। पंकज सेम भाई, हियर, आई कैन सी यू। आपको लोग शायद आपके फर्स्ट नाम से नहीं जानते होंगे जितना आपको लोग एनीबडी कैन फ्लाई के नाम से जानते हैं, बराबर? करेक्ट करेक्ट, एटलीस्ट ऑन सोशल मीडिया। एब्सोल्युटली। तो दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको ये बता देता हूं कि पंकज भाई एक बहुत अच्छा ट्विटर हैंडल के पीछे में रहते हैं। उस ट्विटर हैंडल का नाम है एनी बडी कैन फ्लाई। और मैं आपको सच बोलूं दोस्तों, मैंने जब अपनी ट्विटर की जर्नी चालू की थी तो कुछ इनिशियल लोगों को मैंने फॉलो करना चालू किया था, और उसमें से एक पंकज भाई थे, बिकॉज इनके ट्विटर में जो दम है, इनके एक एक पोस्ट में जो दम है, वो शायद मेरे पिताजी मेरे को समझाते समझाते थक गए होंगे, बट इनका ट्विटर एक एक ट्वीट पोस्ट मेरे पिताजी के दारू ज्ञान के मुकाबले है। तो पंकज भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हैं और अपने आप को सामने लेके आए हैं और लोगों से बात करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। कुछ आप बोलिए तब मैं अपने क्वेश्चंस और कंप्लीटली चालू माई कंप्लीटली माई प्लेजर है विवेक, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो या एनीबडी कैन फ्लाई, आई आई चोज बेस्ड ऑन सर्टन लॉजिक। एट दैट टाइम नया नया सोशल मीडिया शुरू हुआ था, सो एट दैट टाइम आई थॉट दैट इफ एनीबडी, लिटरली एनीबडी कैन वर्क हार्ड एंड बी इंडिपेंडेंट, एवरीबडी हैज अ रीजन टू फ्लाई एंड एवरीबडी हैज अ पोटेंशियल टू फ्लाई। So that's the reason I chose this handle, anybody can fly. So yeah, as of today, I am just continuing this same handle. But yeah, thank you for giving me this opportunity. I hope I am being useful to all my followers, all your followers, and all the people on social media who are keen in learning. Absolutely. Thank you so much to you to give your time and talking to us about this. पंकज भाई, हमारा जो एक चैनल है ना, उसकी खास बात है कि ये इंग्लिश वासियों के लिए भी है और हिंदी वासियों के लिए भी है। तो और ये बहुत बड़ी इंटरनल जोंदिश चलती रहती है कि क्या वीडियो रिकॉर्ड करे हिंदी में और क्या वीडियो रिकॉर्ड करे इंग्लिश में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के अंदर में हो सके तो दोनों लैंग्वेज को यूज कीजिएगा ताकि सभी आपसे सीख सके।
डेफिनेटली मैं हिंदी पे ज्यादा स्ट्रेस करूंगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि द वे आई कम्युनिकेट थोड़ा सा वो मेरा मिक्सअप ही होता है, इंग्लिश पे डोमिनेंस ज्यादा होता है मेरा, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो पंकज भाई, इस फेस टू फेस सीरीज के अंदर में जो फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं वो ये है कि थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको एक कॉन्फिडेंस आता है, उनको एक बिलीव आता है कि पंकज भाई कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो थोड़ा आपका अगर बैकग्राउंड बताएंगे तो एक लोग रिलेट कर पाएंगे आपसे, और उसके बाद आज बहुत जबरदस्त टॉपिक लेके बैठे, आपका फेवरेट टॉपिक है वो है कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। इस पे एकदम ओपन एंडेड चर्चा करेंगे दोस्तों। ये 1 घंटा का चर्चा होने वाला है जिसमें मैं इतने कॉमन सेंस क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, और आई एम श्योर पंकज भाई के बहुत कॉमन सेंस आंसर्स आने वाले हैं जिससे आपको बहुत लर्निंग मिलने वाली है। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों अभी कर दीजिए, बिकॉज पंकज भाई हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे साथ ही रहेंगे, तो चैनल पे तो आप बने रहिएगा। तो पंकज भाई, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड पता लग जाए तो मजा आ जाए, बताइए ना। ओके, इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी वेरी अर्ली डेज। लाइक आई स्टार्टेड माय इन्वेस्टमेंट जर्नी समवेयर इन 1992। मुझे हर्षद मेहता का टाइम याद है, व्हेन व्हेन देयर वाज अ हर्षद मेहता स्कैम इन 1992 दैट ट्रिगर्ड मी माय क्यूरियोसिटी एक्चुअली दैट शेयर मार्केट होती क्या है। एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट शेयर्स ड्यूरिंग दोस डेज। तो वहां से मुझे बहुत ही ज्यादा एक एक क्यूरियोसिटी डेवलप हुई, बेस्ड ऑन विच आई स्टार्टेड लर्निंग कि रियली होता क्या है। सो 1992 में आई वाज एक्चुअली 16 इयर्स ओल्ड, आई वाज इन स्कूल, आई एम 1976 ईयर बॉर्न। सो उस समय मैं देखता था कि पापा इज यूजिंग आईपीओ फॉर्म्स, फिजिकल आईपीओ फॉर्म्स टू गो टू ब्रोकर, डिपॉजिटेड, एंड सो ऑल दोज थिंग्स मेड माई ऑब्जर्वेशन मच मोर फिल्ड विथ क्यूरियोसिटी दैट आई वॉन्टेड टू लर्न ऑल अबाउट शेयर्स। इट स्टार्टेड एज अ क्यूरियोसिटी, इट डेवलप्ड एज अ हॉबी, एंड नाउ इट इज लाइक माई फुल टाइम प्रोफेशन, करियर, जॉब, वट एवर। सो सिंस 1992 आई एम इन टू दिस रिसर्चिंग रिसर्चिंग एंड रिसर्चिंग। एंड In terms of my own personal background, I did my schooling from Delhi. I am a Delhi-born person. In 2000, I did my master's in computer applications. Then from 2000 to 2015, for 15 long years, I did my career in IT industry. I worked with a good four companies, MNC companies, and I can say that I feel proud to have worked in those 15 years, because उन 15 सालों ने मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी नॉलेज, माई माइंड सेट बहुत अच्छे से डेवलप किया है। फॉर्चुनेटली आई गॉट गुड मेंटर्स इन इन ऑफिस, इन गुड कोलीग्स, एवरी गुड टीम्स। आई व्हेन आई लेफ्ट माई जॉब इन 2015, आई वॉज लिटरली मैनेजिंग अ टीम ऑफ ऑलमोस्ट 170 प्लस पीपल। सो विच वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मी, where I was working globally across four different time zones. So yeah, those 15 years helped me build my mindset more towards understanding business, business कैसे चलते हैं, business phases कैसे develop होते हैं, business setup कैसे करते हैं। Even I set up few things, I had set up few things in my office during those times in terms of setting up capabilities for capital market, for testing, for open source systems. So yes, that was the foundation which built my approach towards investment very strong towards business. And yeah, in 2015, because of some personal issues, some health issues, I started focusing more on investment side in terms of doing a practical kind of investing. And so not in 2015, actually somewhere around 2013 or 14,
And since then, finally, when I realized that, yes, I am doing pretty much good in investment, I decided to leave my job in 2015. So it's been 5 years now, almost. As of today, I can say I am very, very happy that I left my job. I continued on my hobby as my full-time profession. So as of today, I can say that I love what I do and I do what I love. Awesome. It's very difficult. ये जो आपने statement मारा ना, ये लोगों के लिए easy नहीं है मानना, because there's always a disconnect between what you love and what you want to do. Exactly, there is always, yeah. So, but Pankaj bhai, full-time investing, ये कैसे हो सकता है? This is one question I have, and I know that investing doesn't give you a recurring earning. मतलब एक regular कमाई का source नहीं है investing, जैसे trading है. जिसमें आपको पता है कि महीने के एंड में आपने कमाया है या आपने खोया और आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं. बट इन्वेस्टिंग ऐसा चीज है जो आप महीने के एंड में आपको पता ही नहीं है कि शायद आप एक्चुअली लॉस में हो महीने के एंड में. इसको फुल टाइम कैसे किया जा सकता है और आप कैसे फैमिली चलाते हैं, कैसे कैसे अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग. क्या आप लोगों का बिजनेस, आप लोगों का पैसा भी मैनेज करते हैं, उससे आपको कुछ फीस बेस्ड इनकम आती है? आपका रेकरिंग मंथली इनकम कैसे चलता है फुल टाइम इन्वेस्टिंग में? सॉरी, इट्स अ मोर पर्सनल क्वेश्चन, बट आई होप इट्स फाइन विद यू. या इट्स फाइन, नो इश्यूज. सो आई एम एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, आई डोंट मैनेज एनीबॉडीज मनी, वन थिंग. एंड एट द सेम टाइम आई डोंट इन्वेस्ट कंसिडरिंग इट एज माई ब्रेड एंड बटर, राइट? सो व्हेन आई एक्चुअली लेफ्ट माई जॉब, एट दैट टाइम मैंने एक मेरे गोल्स थे बेस्ड ऑन विच आई विल लीव माय जॉब. इट्स नॉट दैट आई लेफ्ट माय जॉब जस्ट बेस्ड ऑन माय इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज. नो, वो भाई इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट अ रिस्क. इन्वेस्टमेंट में नथिंग इज गारंटेड. यू कैन गो डाउन टू जीरो, यू कैन गो अप टू इंफिनिटी. सो यू कैन नॉट कंसिडर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इवन एज योर ब्रेड एंड बटर अंटिल एंड अनलेस यू हैव अ रीजनेबली अमाउंट ऑफ बैकअप इन योर बैंक अकाउंट्स, reasonable amount of backups in terms of your goals, what you want to achieve. So jab maine job chhodi, again jab maine job chhodi us samay I left based on certain thing which made me confident ki yes, ab main job chhod sakta hu, ab mera ek portfolio hai which I can manage, ab mera ye bank balance hai which is sufficient for me to help me run my expenses for next 3 to 5 years. And I am done with, I am covered in my insurances or whatever I need to achieve. And meri, I am very, very fond of traveling. So even uske liye bhi maine ek goal rakha hua hai, which I keep on refilling in my bank balance. So investment is not my bread and butter, but at the same time, I make sure that whatever I need to manage in terms of my expenses, in terms of my travel goals, in terms of my family things for next 3 to 5 years, I at any point of time it has to be there in terms of my backup at any point of time. So jab bhi main every financial year ending or calendar year ending main review kar leta hu, jisse ki if I need to put more money into my account, I'll do that. And fortunately, touch wood, I am doing very good in my portfolio, so those levels have gone way back. Wow. So इसका मतलब अगर कोई भी ये सोच रहा है कि उसको full time job छोड़ के अगर trading में उतर जाना है या investing में उतर जाना है, तो एक capital base बना ले जिससे एक recurring income का surety रहे, और उस base को आप side कर दें ताकि आपका expenditures are taken care of that by that base. और एक कैपिटल लेके आप फिर अपना ग्रोथ जो कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से प्लान हो सकता है. इज दिस राइट वे टू अप्रोच इट? एग्जैक्टली. एट द सेम टाइम, टू बी ऑनेस्ट, आई पर्सनली डू नॉट सजेस्ट एनीवन टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर. यू डू नॉट नीड सो मच ऑफ टाइम टू रियली बी अ फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर. इफ आई लेफ्ट माई जॉब 5 years बैक, आई हैड सम पर्सनल थिंग्स बिकॉज ऑफ विच आई लेफ्ट इट, health issues, right? And based on which I had to take that decision. So right, that doesn't right, mean right. Everybody or anybody can become a full-time trader or investor.
if you really have a compulsion to be a trader full time or full time investor, us case mein, yes, you need to have a very, very reasonable amount of backup for next 2, 3, 5 years, depending on your family, depending on your age, depending on your goals. Matlab multiple fir financial planning and aa jayegi in picture, and you should be covered well in terms of health insurance as well. Okay, okay. So let's assume that main ek part time investor hu aur main apna job mein bhi laga hu ya koi main business kar raha hu aur investing ke andar mein bhi main wealth create karna cha raha hu. To mere profile ko dimag mein rakhte hue mera approach kya hona chahiye aur mujhe investing karna hai, mujhe din bhar ka trading ya जो ट्रेडिंग का जो एक माइंडसेट होता है ना, लेना है ऊपर थोड़ा सा बेच लिए नीचे थोड़ा ले लिए, वो नहीं करना, मेरे को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है पार्ट टाइम बन के, तो उसका क्या अप्रोच होना चाहिए? इफ यू कैन गिव अस सम चीट शीट. सो बेस्ट अप्रोच इन सच केस वेयर यू आर ऑलरेडी वर्किंग ईदर इन अ जॉब और एज अ बिजनेस एंड यू वॉन्ट टू स्टार्ट यूर पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट ऑन योर ओन इंडिपेंडेंटली, best approach is do a common sense investing. Aapke, you are doing a business or you are doing a job, so you know one few basic things about business. Uske us hisab se you can understand that these businesses are going to go be there forever. So common sense investing again, ki hamare aas paas kya cheez hai jo hame hamesha use karni hai. Khana to hame khana hi hai, aaj पैसे आज खरीदना है, आज खाना है, कल फिर खरीदना है, कल फिर खाना है. सो कंजम्पशन इज समथिंग जो हमेशा चलेगी इन टर्म्स ऑफ फूड, दिस इज अ मस्ट कंपल्सरी कंजम्पशन और कंपल्सरी कंजम्पशन. सिमिलरली कपड़े तो पहनने ही है, घर तो चाहिए सबको. सो दीज आर वेरी वेरी बेसिक एसेंशियल थिंग्स, और इन्हीं को आप एक्सपेंड करोगे तो यू कैन ओपन अ होल लॉट ऑफ बिजनेस सेक्टर्स वेयर यू कैन फाइंड योर ओन अपॉर्चुनिटीज. फूड सेक्टर इज नॉट अ स्मॉल सेक्टर, फूड के पीछे एग्रीकल्चर है, फूड के पीछे केमिकल्स है, फूड के पीछे फर्टिलाइजर्स है, फूड के पीछे फार्मर्स हैं. सो मतलब लाइक एज ऑफ टुडे, लाइक इफ आई लुक एट माय 28 इयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, आई कैन से दैट बिहाइंड एवरी एसेंशियल थिंग देर इज अ नॉन एसेंशियल थिंग, बिहाइंड एवरी नॉन एसेंशियल थिंग देर इज एन एसेंशियल थिंग. ओके, यू कैन नॉट से दैट this is non-essential, I can leave it now. No, agar aapke liye non-essential hai, somebody else ke liye wo bahut essential ho sakta hai. So us case mein if you apply again common sense, there are many many things which you can easily pick ki ye to chalega. Even aap apni job aur business se bhi input le sakte ho ki nahi ye to cheeze you can pick as a business sector or product sector, aur us product ko fir research karna shuru kar do. Once you start researching, you can pick business, business pick ho gaya, you can find companies into that, companies pick ho gayi, research more on companies, then research more on fundamentals, research more on management, then you have to actually find some right people also with who can guide you on valuations aspect. So thoda sa ek networking chahiye, common sense chahiye, and ek risk taking capacity chahiye. Because ये जरूर माइंड में लेके चलना है कि इफ यू स्टिल वांट टू बी अ पार्ट टाइम इन्वेस्टर, दैट यू शुड इन्वेस्ट, यू शुड रिस्क ऑन द कैपिटल विच यू कैन रिस्क. यू शुड बी रेडी टू सी दैट कैपिटल एज जीरो इन केस समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंस, राइट? बिकॉज इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक मार्केट है, बिजनेस है, कल को कुछ भी हो सकता है. सो अगर आप ये सब लेके चलोगे, आई एम श्योर यू कैन, यू विल एक्चुअली सक्सीड over time to come. Okay, great. So एक बार इसको थोड़ा decode करते हैं, एक एक step को, और एक कोई example लेते हैं. जैसे आपने कहा कि सबसे पहले business identify करो, फिर company identify करो, और उसके बाद में अपना risk appetite के हिसाब से उस company के अंदर में invest करो. अब मैं example लेता हूँ कि say telecommunication. Okay, तो जब Reliance Arcom आया था तो उस समय टेलीकम्युनिकेशन का एक अलग फेज डेवलप हो रहा था, जहां पर लो कॉस्ट ऑफ कॉल पे फोकस किया गया था, जब मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया था, फिर उसके बाद बात अनिल अंबानी में चली गई, बट आरकॉम वाज द पायनियर इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया. तो वो इंडस्ट्री उस समय बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव इंटरेस्टिंग टिक कर दिया.
लेकिन उसके बाद जब कंपनी में आए तो इनिशियली तो कंपनी अच्छी थी, फिर धीरे 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 कंपनी कहीं ना कहीं किसी ट्रैप में फंसती गई। ऑब्वियसली फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल इन्वेस्टर इतना इजी नहीं होता है आइडेंटिफाई करना ट्रैप्स, बिकॉज एक प्रमोटर सही तरीके से भी ट्रैप में फंस सकता है और गलत करके भी ट्रैप में फंस सकता है और उसको पता भी नहीं लगेगा, और कुछ प्रमोटर को पता रहता है फिर भी वो फंसते हैं, राइट? तो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए कंपनी लेवल पे डीप रिसर्च करना थोड़ा सा एक एक प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर मैं बिजनेस पे आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन कंपनी लेवल पे जहां मैं गया, ऊपरी लेवल पे कंपनी अच्छी लग रही है, बट अंदर में जाऊंगा तब पता लगेगा कि इस कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर तीसरा कंपोनेंट है कि मैं कितना रिस्क इस कंपनी में लेना चाहता हूं, तो वो जज करना बहुत मुश्किल है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि आप 10 स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, अब क्वेश्चन आता है कि मैं 10 स्टॉक में क्या बराबरी से इन्वेस्ट कर दूं, या 10 स्टॉक में इस स्टॉक में 25% कर देता हूं, बाकी में 5-5% कर देता हूं। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस अगर आप कोई सी तरीके से गाइड कर पाए तो, बिकॉज दीज आर सच कॉमन क्वेश्चंस व्हिच आई गेट फ्रॉम एवरीवन, द राइट फॉर्मूला क्या है, कैसे सजाएं चीजों ओके, वेरी ट्रिकी. सो टू बी ऑनेस्ट, देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला बिहाइंड इट. देयर कैन नॉट बी एंड देयर विल नेवर बी. एक तो ये चीज है कि कोई फॉर्मूला नहीं है. बट यस, सो लेट्स से आपने टेलीकॉम एज अ बिजनेस आइडेंटिफाई कर लिया एज अ सेक्टर. उसके अंदर फिर पिक ऑल द कंपनीज फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड, टू रिसर्च, टू नो अबाउट वट ऑल दीज कंपनीज आर डूइंग, एंड टू अंडरस्टैंड अबाउट देयर मैनेजमेंट, टू अबाउट देयर वैल्यूएशन, सब कुछ. सो लेट्स से जब आपने आरकॉम का नाम लिया, तो उस समय वी हैड, इफ आई रिमेम्बर, भारती एयरटेल, आरकॉम, MTNL, BSNL, ये चार कंपनीज होती थी. BSNL वॉज स्टिल नॉट लिस्टेड, बट MTNL, आरकॉम एंड भारती एयरटेल, ये तीन होती थी, हम्म। करेक्ट? सो भारती एयरटेल वॉज स्टिल द लीडर एट दैट टाइम. ऐसे केस में मैं यही सजेस्ट करूंगा, सिंस यू आर अ पार्ट टाइम इन्वेस्टर, यू आर रिस्किंग योर मनी एज वेल एज यू आर टू टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू वुड वांट टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल आल्सो. तो लीडर में हमेशा ज्यादा इन्वेस्ट करो, नीचे की कंपनी में बहुत कम है, इतना इन्वेस्ट करो जिस जो कि इफ इट गोज डाउन टू जीरो, फाइन, नो इश्यूज. बट लीडर को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस दो व्हेन यू आर स्टार्टिंग एन इन्वेस्टमेंट. व्हेन यू आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड, ओनली देन पिक दी नेक्स्ट लेवल ऑफ कंपनीज, जो कि अब मैं करता हूं. मैं पहले नहीं करता था ये सब, बट अब मैं अपने मिड कैप, स्मॉल कैप, डार्क हॉर्सेस मैं बहुत पिक करता हूँ, बिकॉज आई हैव टाइम, आई एम फॉन्ड ऑफ रिसर्चिंग, आई एम एबल टू मैनेज 100 to 150 नेम्स इन माई पोर्टफोलियो. आई एम प्राउड दैट आई कैन मैनेज दैट. सो उस केस में आई कैन डू दैट, बट नॉट एवरीबडी कैन डू दैट. इसलिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग, पिक अ बिजनेस, पिक अ लीडर, एंड लीडर को वॉच करते रहो और फिर उसके कंपटीशन को स्टडी करते रहो इन पैरेलल. बहुत सही सजेशन, लेकिन इस पे एक फॉलो ऑन क्वेश्चन है पंकज भाई, लीडर हमेशा बहुत महंगा होता है क्योंकि सब उसको लेके लीडर रखे। लीडर महंगा ही रहेगा. सो मेरी बेसिक कोट हमेशा मैं जो रिपीट करता रहता हूँ ट्विटर पे भी, कि बिग विल कीप गेटिंग बिगर, एक्सपेंसिव विल बिग विल कीप गेटिंग बिगर एंड एक्सपेंसिव. सो जो बॉस है वो बॉस ही रहेगा, और अगर बॉस में ग्रोथ का पैशन है तो फिर उसको उसकी वैल्यूएशंस आप एक लेवल पे जाके छोड़ दो, लीव इट. इट विल स्टिल बी अ कंपाउंडर. इफ आई टेक मेनी नेम्स, हिंदुस्तान लीवर वॉज एक्सपेंसिव 10 years बैक, इट इज एक्सपेंसिव इवन नाउ. एमेजॉन वॉज एक्सपेंसिव एट $2, एमेजॉन इज एक्सपेंसिव एट $2,000. तो मतलब जब देखोगे तब वो महंगा दिखेगा. नेस्ले आज भी 100 PE पे होगा, डीमार्ट अभी भी 100 PE पर है. सो लीडर, वेयर लीडर हैज नो कॉम्पिटिशन इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन विच कैन पुट अ क्वेश्चन ऑन इट्स बिजनेस सर्वाइवल, देन दैट काइंड ऑफ लीडर विल ऑलवेज बी सेफ, वट एवर बी द वैल्यूएशंस. एटलीस्ट कंपाउंडर बना रहेगा. क्योंकि देखो, वाई आई फील लाइक दिस, बिकॉज वी आर नॉट इन बिफोर, वी आर नॉट इन 2000, वी आर नॉट इन 2008, वी आर इन 2020. एज ऑफ टूडे, इफ वी
do a sum total of investors' money across the globe, one cannot even imagine how much is that. So investors ko money park karni hi karni hai. There is no option or choice about it. And investor will always park in growth. Right investor will always park in growth. They will not look for any other asset, any other business, or any other small company. So big will keep getting bigger. As simple as that. बहुत सही, बहुत सही. एक और स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं चर्चा में जब आई रही है बिग विनर्स बिग स्टॉक की, वो एचडीएफसी बैंक. ठीक है, तो अब वो तो नहीं, अपने सबको पता है कि प्राइवेट बैंकिंग में उसके जैसा कोई बैंक नहीं है. अब जब मार्केट गिरा तो वो 30-40% गिर गया. ठीक है, अब बीइंग अ लीडर पीपल ओन एचडीएफसी बैंक. अगर इंडिया में किसी भी बंदे का इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर है तो एचडीएफसी बैंक तो उसका पोर्टफोलियो में है ही है. ठीक है, अब वो 30-40% गिर गया, उस समय जिसके पास है वो क्या करे? व्हाट शुड बी द माइंडसेट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई इट फेल, रीजंस बिहाइंड द सेम, एंड कैन इट रियली रिकवर in terms of business, not in terms of stock price. Why it fell? Because of business reasons, and can those business reasons be recovered? So let's take about HDFC Bank. So financials, in my approach, are a strict no. Since last 2 to 3 years, I am in my circle of networking, I am always suggesting that financials are not a business. Financials is a service. Financials are a medium between you and a business, where financials are just giving up money. Financials is not doing anything. It is not contributing anything to anyone in terms of growth. Like, it is just a medium to grow. But again, we are in 2020, where many businesses don't need cash. They are already full of cash, or they have other avenues to raise capital. So like, if you have seen, Reliance Industries over last 2 months has already done 6 or 7 deals, and it is looking to reduce its debt significantly. So if it is reducing its debt, obviously banks like HDFC Bank or whosoever has lended to Reliance Industries will be worried, because their business is actually reducing. And if Reliance Industries can reduce debt, then every other company can reduce debt. It's not so. In my viewpoint, financials are finally going through a phase where they are facing a question of business survival, which is a first and foremost thing. They will survive, but they will not grow to the extent based on which they were growing. So if you, that can be a very big discussion if we go too deep into financials. But financials, the way financials have made money, it cannot be done from here onwards. No, they made money between 1990 and 2020, or maybe 2016-17, magar 2020 se 2030 tak bhi same momentum se bana payenge? I really doubt. So, पंकज भाई, ये तो देखिए आपका एक स्टडी है, आपका बिलीव है फाइनेंशियल्स को लेके. बट सपोज कोई है जिसको बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता हो, बिकॉज़ उसको लगता हो कि ये तो बेस है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, और बैंकिंग के अंदर में उसको एचडीएफसी बैंक लीडर लगता है, तो वो अब ले ले और प्राइस गिर जाए तो वो अब क्या करे? अभी वो अपना थॉट प्रोसेस तो चेंज नहीं कर सकता ना कि नहीं, फाइनेंशियल से मुझे को एग्जिट कर जाना चाहिए. इस तरह डायनेमिकली अपना थॉट प्रोसेस को रिविजिट करना पड़ेगा. Definitely. Being a fundamental investor, I am not sure about trading thought process here, but in terms of fundamental mindset, you have to be very, very dynamic these days, because aajkal overnight cheeze change ho jati hain. Overnight, like coronavirus, before January, who knew ki aisa kuch aayega? But aisa aaya, and it has changed life across the globe. So अगर आपने फाइनेंशियल्स लिए हैं विद सर्टेन थॉट प्रोसेस एंड स्टॉक प्राइस इज गोइंग डाउन अगेन एंड अगेन कंटीन्यूअसली, एंड इफ यू आर स्टिल नॉट रिव्यूइंग व्हाई इट इज गोइंग डाउन,
is there any business issue or is there something that where I need to change my own thought process, then you are actually stuck in your biased mindset. So as a fundamental investor, biased mindset kabhi bhi successful ka parameter nahi ban sakta. You have to understand, you have to review yourself, discuss with right people, take different views in contradiction or in support, take different views and then build your own view whether I am right to hold or should I exit if it is a falling knife. Pankaj bhai, iska matlab jo aapka baat sunke samajh mein aa rahi hai ki buy and hold to khatam hai phir. इतना डायनेमिकली अगर अपना इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को करना पड़ेगा तो हो सकता है ऐसा कुछ मोमेंट आए एक क्वार्टर दो क्वार्टर में कि एक इंडस्ट्री से एग्जिट ही करने का माइंडसेट बन जाए तो एग्जिट करना पड़ेगा तो वी बाय एंड होल्ड मे नॉट वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू यू नहीं यस सो बाय एंड ब्लाइंड होल्ड और होल्ड फॉर एवर इज नेवर गोइंग टू सक्सीड नो बाय रिव्यू होल्ड review every quarter, review with every event, review with whatever is happening across the globe. Usse agar aapke business ko impact ho raha hai, to you really have to understand your thought process to see whether conviction is still there or not. So main teen point kehta hu yahan pe bar bar. In terms of first and foremost parameter of making an investment is business, and in business first is business survival. There should not be any doubt on business survival at any point of time. If business is surviving, then is there a growth potential? Can it grow on its current base? If it is there, then can that growth sustain? Aisa to nahi hai ki aaj isne grow kar liya, parso wapas aa jayega. Nahi. Agar wo growth volatile hai, then there is no point again in betting on the growth. Like infrastructure sector, real estate sector, जहाँ पे एक bridge बन जाता है तो obviously मतलब these businesses are all cyclical businesses, but where growth sustain is a problem. But where in businesses where all these three parameters are a tick mark, yes, then go with it. Then go with it. So एक इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर के लिए फिर एक तो इतने सारे स्टॉक्स में फिर वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता अगर ट्रैक करना है इतना ही तो मैक्सिमम कितना स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है तो सो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है और डिपेंडिंग ऑन हिज कैपिटल लाइक कैपिटल कैन बी 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ इवन 100 करोड़ डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन सो इन 100 करोड़ यू कैन नॉट बेट ऑन 5 स्टॉक्स वेरी सिंपल You cannot bet on even 10 stocks. You need more number of stocks. So depending on the capital, you need to have right amount of stocks, right number of stocks that you can manage. I would say, agar 1 crore capital hai, 5 to 10 stocks are good enough, but maximum 15. Okay. Agar 1 crore capital hai, 10 crore capital hai, double kar do, triple kar do, is type se. But you should be ready to manage those stocks in terms of tracking, in terms of understanding business, in terms of talking with right people. Yeah. Okay. तो फिर अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू ही अगर जाए तो प्रॉब्लम क्या है क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले तो ये पूरा ट्रैकिंग और ये सब एनालिसिस कर ही रहे हैं प्रॉपरली सो आई शुड नॉट से दिस बट समहाउ आई हैव अ परसेप्शन I might be wrong. I am saying very honestly, but I might be wrong in my view. But mutual funds is a business, first of all. They have to take care of their teams. They have to take care of their offices. They have to take care of their salaries. And then they will take care of you as a customer. Whatever are entry and exit loads, are they really transparent? I don't know. I don't know. So better be independent, build your own learning process, be independent in your, if you are able to do your job, your business, why not investment? It's not a rocket science. Just pick few common sense businesses and start step by step. But
if you are doing some mistake, you will be happy to recover from out of it. But if your mutual fund manager is taking some stock which you are not liking, you will unnecessarily say negative things about that mutual fund manager, which is not a good sign. So unnecessarily you will lose trust on people, you will lose relationship with people, but which is of no use in long run. So better be independent, build your own learning process, connect with right people who can guide you on each step. And again, investment is not a rocket science. एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं पंकज भाई, कोई भी एक स्टॉक, एक डिस्क्लेमर पहले से दे देंगे कि वो आपका एनालिसिस है, कोई भी सेक्टर, कुछ भी जो आपको समझ में आता हो कि इंटरेस्टिंग है, जिसको देखा जा सकता है, तो हम वो कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग को अप्लाई करते भी देखना चाहेंगे अगर हो सके तो. So if we look at it as of today I can, so I am very, very fan, you can say. I am a fan of chemical sector. Okay. And in addition to chemical sector, I am again positive on food sector as well. Because food is a very basic consumption thing. Yeah. एक मिनट पंकज भाई, जस्ट एक छोटा सा बात मैं लोगों को बता देता हूँ. दोस्तों, ये सारी डिस्कशंस इम्प्रॉम्प्टू है. मैंने कभी भी पंकज भाई को बुला नहीं था, मैं ये पूछने वाला हूँ, तो इनको पता भी नहीं था क्या बात हो रही है. सारे फेस टू फेस इम्प्रॉम्प्टू होते हैं. So he is so generous ki phir bhi he has prepared to answer this question. So please proceed, Kizhe sir. Yeah. So again, the food sector is one very basic common sense sector. Ki hume khana to khana hi hai. Aaj bhi khana hai, kal bhi khana hai, aur regular khana hai. And every person on the globe, if we have a population of 800 crores across the world, every individual need food to survive. So food is a very, very basic common sense sector to pick as an investment approach. Agar hum current scenario dekhe in terms of coronavirus, in terms of businesses being shut for extended time, jobs being lost. But even in such scenario, agar aapke paas paise bhi nahi hai, tab bhi khana to khana hi hai. Chahe kaise bhi khaoge. Kisi se borrow karke khaoge ya whatever, but you have to, if you want to survive, you have to eat. So food sector is going to be there forever. Obviously within food sector, companies may survive, may not survive, that's a different question. But as a business, as a sector, food is always there. So within food sector, I am researching more on because the way coronavirus thing has developed currently, there is a kind of friction developed between China and world. Almost every country has some reason to say negative things about China. So since this is happening, there will be many contract manufacturing jobs or contract manufacturing work that may come to India because it may shift from China. And that kind of work is happening in food, chemicals, and electronics. Actually, electronics is a discrete consumption, but still few products are must consumption. So within consumption sector, I categorize between two things: compulsory consumption and discrete consumption. So food, and behind food again there comes chemicals, food chemicals, color chemicals, agrochemicals, fertilizers, all these things. So without chemical, you cannot assume any food on your plate. Literally, right. Not possible. Even if somebody in organic sector are saying that we have organic things, I know scientists around those, that is again not possible. So without chemical, any application product is not possible in world. Any application product, be it food, be it your automobile, be it your paint, be it adhesive, anything. So chemicals, importance of chemicals are finally being understood. And since chemicals are have their own various risks associated with it in terms of running the business, because of it can be a dangerous sector. There can be chemical reactions, there can be explosions, there can be some gas leaks.
So not every company can start a chemical business just right away. There are multiple entry barriers in this sector. So since there are multiple entry barriers, companies which are doing already good in terms of their infrastructure to support chemical as a business, they are getting an extended amount of work from big clients across the globe. So that is where chemical sector and food sector, I am very, very positive at this moment of time. And they have a good future. I feel that at least next 3 to 5 years, they should give us very good returns. I am tracking these sectors since last 5 years. They have actually been multi-baggers, and I am still expecting many companies to be multi-bagger from current levels. राइट राइट सो केमिकल सेक्टर में आपने कितनी कंपनीज को स्टडी किया है भाई? People will actually laugh when they hear this. So I am tracking almost 30 to 40 companies in chemical sector at the moment. Tracking, not holding. So out of tracking, yes, I might be holding 20, 25 out of 30 to 40 names. Some in good quantity, some in small quantity, some as dark horse, some as a pure risk candidates, but I am tracking them just to understand the businesses, to understand the managements, to understand how business phases are working. So there was a time around 3, 4, 5 years back when there was a big shift happened from China to India, because in China around 2015, if I remember correctly, they started shutting down their chemical companies or even many companies across other businesses as well because of pollution, because of environment issues. So since then, many, many companies have permanently shut in China, and they may find it tough to restart again. There have been noise since 5 years actually that Chinese are restarting. That will keep on going. Noises are there forever, but I feel we have a potential in these sectors. And if you see, even these times, best results are coming from chemical companies. And apart from chemical, what are the other sectors you are tracking? I mean, just I'm trying to, understand that typically people like you, how deep you go into market, like typically how many sectors do you track? How many stocks do you follow? Because if you are full time, you are totally into it. And a part timer would can relate that, अच्छा इतना करना पड़ेगा क्या full time होने के बाद में? So you can just give us a guidance that how many other sectors do you track? सो ये तो अच्छा ही बात है कि आई कैन मतलब मैं लोगों को डरा सकता हूँ कि फुल टाइम मत आओ क्योंकि काम बहुत करना पड़ता है. सो टू बी ऑनेस्ट, आई एम ट्रैकिंग ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर टू अंडरस्टैंड द बिजनेस फेजेस. आई एम ट्रैकिंग, दैट डजेंट मीन अगेन दैट आई एम होल्डिंग एवरी सेक्टर. फ्यू सेक्टर्स आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट दैट दो सेक्टर्स आर गुड फॉर इकोनॉमी बट नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट. Then few sectors I am holding as multi-bagger sectors where there are companies which have potential to give 2, 3, 5x returns over next 2, 3, 5 years. Then there are sectors where I am expecting compounding returns. So again, I would say I am tracking every sector, but I am not invested in every sector. The sectors where I am invested as of today is chemicals, food, electronics. Within electronics, contract manufacturing, then comes telecom, then comes MNC companies, leader companies across sectors. It can be any sector, it can be even a sector which I am actually avoiding. But if it is a very, very big leader, very honest leader, I might be invested. Then comes pharma. Yeah. So chemical, pharma, and food, these are prominent. Telecom and electronics manufacturing are little lower allocation, and then remaining are my ongoing things, which I may not even tracking, but I am holding. MNC Very interesting. Very. names. Yeah. Do you look at market daily? No, no, no. आप रोज नहीं देखते I हो? actually
बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ, और कई बार तो मैं लॉग इन भी नहीं करता हूँ अपने अकाउंट में, क्योंकि आई एम नॉट अ डेली ट्रेडर और डेली इन्वेस्टर. आई इवेंट्स डोंट बॉदर मी अनलेस इवेंट हैज अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन माई बिजनेस. ओके सो मैं जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था चाइना में अराउंड फेब्रुअरी एंड, आई हैड ट्वीटेड दैट आई थिंक वी आर रीचिंग इन टू अ स्टेज वेयर फ्लाइट्स हैव टू बी ग्राउंडेड अक्रॉस द ग्लोब. विद इन फेब्रुअरी आई वॉज एबल टू फील दैट काइंड ऑफ थिंग विल कम अप. इट एक्चुअली केम अप. सो जब मैंने ट्वीट भी किया था, जस्ट होपफुली किसी ने उसको सीरियसली लेके अपना रिव्यू किया भी होगा, तो उस समय मैंने अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी सी शफलिंग करी थी, वेयर आई फेल्ट सम बिजनेसेस माइट बी इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस परमानेंटली. सो आई डिड सम बेसिक रीशफलिंग, आई केम लिटिल बिट मोर इन कैश, आई कॉन्सेंट्रेटेड मोर इन माई हाई कन्विक्शन सेक्टर्स विच आई फेल्ट दे विल नॉट बी इम्पैक्टेड बाय इवन दिस वायरस. सो उस समय मैंने शफलिंग करी थी, अदरवाइज ऑन अ डेली बेसिस आई डोंट सी स्टॉक प्राइसेस और आई डोंट लॉग इन इन टू माई अकाउंट. इवन मोबाइल है, मोबाइल पर सब कुछ एक्सेसिबल है, थोड़ा बहुत टाइम है देख लिया, बट दैट डजंट मीन आई हैव अ कंपल्शन टू सी. तो पता लगा आपका जो स्टॉक आपने ले रखा है वो आज 30% गिर गया, तो आपको पता भी नहीं लगता 30% गिर गया, या पता लगाने की कोशिश नहीं करते, अरे गिर क्यों गया, क्या हो गया इसमें? अगर जब पता लगता है कि गिर गया तो मैं सर्च करूंगा कोई न्यूज तो नहीं है इस पे जो मैंने अच्छा इग्नोर कर दिया है, या और अगर सपोज कोई न्यूज मिलती है तो उस न्यूज को समझूंगा कि इज इट हैविंग एन इम्पैक्ट रियली, और ये सिर्फ एक दो दिन की नॉइज है, उसके बाद वापस आ जाएगा. तो तो आप ऐसा नीचे के कई भाव पे फिर बिजनेसेस में लेते हैं, होता है. तो फिर आप नीचे के भाव पे वापस से बाई करते हैं उस स्टॉक को, और अगर आपको लगता है न्यूज़ नहीं इतना नहीं मेजर। नहीं नो 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 आई सो अगेन आई एम नॉट जनरेटिंग एनी फ्री कैश थ्रू माई जॉब और बिजनेस. आई एम एन इन्वेस्टर ऑलरेडी इन मार्केट. माई मनी विल कम फ्रॉम मार्केट ओनली अगेन इफ आई हैव टू फाइंड सम राइट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट. सो उस केस में मैं शफलिंग ही करता हूँ, बट आई डोंट अननेसेसरली कीप पुटिंग कैश फ्रॉम माई बैंक, जिससे कि पता लगे मैंने अपने बैकअप को ही रिस्क पे डाल दिया, विच आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट. मतलब इसका मतलब कुछ भी खरीदने के पहले आप कुछ बेचोगे तभी आपके पास कैश आएगा, फिर आप उसको इन्वेस्ट करोगे नई अपॉर्चुनिटीज में। इफ आई एम नॉट कीपिंग कैश फ्रॉम माई पोर्टफोलियो एज अ सेफ थिंग. ओके सो यू कीप, आप ये भी चेंज करते रहते हो कितना कैश होना चाहिए, कितना स्टॉक होना चाहिए मार्केट का एक ओवरऑल फील के हिसाब से? यूजुअली माई अप्रोच इज टू स्टे इन्वेस्टेड टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी, बट कोरोना वायरस के केस में मेरी अप्रोच थोड़ी सी अलग रही है. इसमें मैंने अपने पास थोड़ा सा कैश रखा है बिकॉज आई हैव अ रीजनेबली साइज ऑफ पोर्टफोलियो, तो कैश की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी थी बिकॉज आई फेल्ट कि मार्केट विल फॉल बिग, एंड फॉल बिग सो वी विल हैव राइट अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन सम वेरी हाई कन्विक्शन नेम्स. राइट। तो अभी अभी आपने कुछ स्टॉक में एंट्री मारी, को कैश यूज किया आपने, या यू ऑल्सो मिस द बस एज पीपल डिड? नो 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 एंड एनी वे आई डोंट आई यूजली नेवर रिग्रेट इवन इफ आई एम मिसिंग एनी बस, बिकॉज बसेस तो आती रहेंगी जाती रहेंगी. स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी चीज है जहां पे देयर आर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. देयर इज अ बुल मार्केट इन सम स्टॉक्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे बियर मार्केट हो, चाहे रिसेशन हो, चाहे टू मच ग्रोथ हो, बट देयर विल बी अ बुल मार्केट इन सम स्टॉक्स एट सम पॉइंट हमेशा. तो इसलिए वो तो अपॉर्चुनिटीज जब देखो तब मिलेगी, लेकिन अननेसेसरली अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो आप शफलिंग करो, दैट इज नॉट एडवाइजेबल. देयर आर 5,500 टू 6,000 स्टॉक्स लिस्टेड, देयर माइट बी 300 टू 600 स्टॉक्स दैट आर डूइंग गुड ऑन अ सर्टेन डे, बट वी जस्ट नीड 10, 20, 30, 40, 50 स्टॉक्स. सो यही हमें बेसिक माइंडसेट बनाना है कि यू कैन नॉट बी इन एवरी राइट स्टॉक, यू कैन नॉट अवॉइड एवरी रॉन्ग स्टॉक. सो जब ये माइंडसेट क्लियर हो जाएगा देन देयर इज नो नीड टू रश टू एवरीथिंग व्हिच इज इन मोमेंटम. पंकज भाई इतना मतलब आराम से बात कर रहे हैं ना आप, चेहरे में स्माइल है,
समझ में आ रहा है कि सुकून है और सेटिस्फाइड जरूर है आप अपने काम से। नहीं वो तो द वे आई सेड इन बिगनिंग, आई लव व्हाट आई डू एंड आई डू व्हाट आई लव, सो आई कैन एब्सोल्युटली टॉक अबाउट स्टॉक्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन. ऑब्वियसली आई कैन फील टायर्ड बट यस दैट इज माय पैशन सो आई कैन टॉक. तो थोड़ा सा गाइड करिए लोगों को कि कैसे कैसे अप्रोच करें। बिफोर यू गो, एक लास्ट वर्ड्स ऑफ विजडम दैट किसी को अगर करना है, बनना है वैसा, एक वैसी खुशहाली लेके आनी है, या वैसा मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बनाना है, या अप्रोच क्रिएट करना है, तो आप क्या गाइडेंस देंगे, कैसे आप अप्रोच करवाएंगे? सो बी पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल. ओनली एंड ओनली अ पॉजिटिव पर्सन कैन बी अ राइट इन्वेस्टर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. इफ यू आर अ नेगेटिव पर्सन, इफ यू आर ओनली फाइंडिंग नेगेटिव्स इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आई एम सॉरी बट यू स्टिल डोंट हैव इंग्रेडिएंट्स टू बी एन इन्वेस्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल बी पॉजिटिव, बी एन ऑप्टिमिस्ट, अंडरस्टैंड, रिव्यू योर सेल्फ, वट डू यू वॉन्ट टू अचीव. Somebody can be happy in 10 lakh, somebody may not be happy in even 10 crores. So there is no limit to which we can go. So review yourself, build your goals, understand your goals, and invest with a goal in mind. So investment is not a rocket science. Build right network of people. Everything. Fortunately, we are in 2020 where we have every kind of information available online, free, through your apps. So here is a time to say, I can say that your My Stock Edge app is an excellent tool which people can utilize to find, to research, to learn, to understand whatever is going on. So build right network, build right tools, find right tools, have patience, be disciplined, be consistent, be positive, and in grow step by step. Or if you really want to find a shortcut, better go to casino and try your luck. But in stock market, if you are trying shortcuts, it can take you down very, very badly, which can unnecessarily put everyone connected to you also into stress. So be safe, grow step by step. Even if you are compounding by 20%, that can be one can become 15 or 20 in 15 years. So it's a very big amount. So yeah, that is what I would like to suggest. पंकज भाई, कैसीनो जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर ऑप्शंस ट्रेडिंग है इंडिया में। अरे मैंने तो आज तक तो अभी तक करी नहीं मैंने, एंड आई एम श्योर आई माइट नॉट डू इट एवर. अभी तक मैंने एफएनओ को बिल्कुल भी नहीं करी, ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड ऑल दिस, एंड आई एम हैप्पी दैट आई डोंट नो इट. एब्सोल्युटली। सुपर टॉकिंग टू पंकज भाई, इट वाज ग्रेट रिकॉर्डिंग दिस वीडियो विथ यू। पर्ल्स ऑफ विजडम, और आपका एक लाइफ का एक्सपीरियंस से क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि यू हैव लर्न इट द हार्ड वे, एंड आई होप वी ऑल गेट इनलाइटेंड बाय योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, एंड योर ट्विटर हैंडल इज ऑसम, अमेजिंग। यू कीप ऑन इनलाइटिंग ऑल ऑफ अस एंड वी कीप ऑन ग्रोइंग। ये वाला वीडियो इतना ही रखते हैं, कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग है तो इसमें यही बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और वीडियो का आपसे कमिटमेंट लूंगा, जहां पर थोड़ा डीप डाइव, फंडामेंटली कैसे स्टॉक को इवैल्यूएट करें, ये कभी मौका मिलेगा, आपका समय मिलेगा तो वो भी रिकॉर्ड करना चाहूंगा। और अभी इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योर क्लोजिंग वर्ड्स इफ यू वांट टू क्लोज दिस। Thank you so much, Vivek, for giving me this opportunity. And I am glad, I am happy that I can share my experiences. I can guide people in positive way. So this is all my pleasure. But yes, to everyone of your follower, to whosoever, to every kind of audience who would see this video, my only thing to suggest is please be positive at any point of time. Being positive has a very, very strong power to grow well in life. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो मुझे लगता है दोस्तों, ये वीडियो मेरे लिए बना है, बिकॉज मैं सच्ची बोलूं, ऑनेस्टली मैं कल तक काफी नेगेटिव हो रखा था, बिकॉज मुझे माहौल इतना गंदा लग रहा था ना अभी, पर ये वीडियो देख के ना मुझे इतना पॉजिटिविटी मिला है ना। थैंक यू पंकज भाई फॉर रीलिविंग दैट थिंग इनसाइड मी, एंड होप यू गाइज एंजॉयड इट, होप यू गाइज लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। प्लीज फॉलो हिज ट्विटर हैंडल, दिस इज वन थिंग यू कांट मिस इन लाइफ।
एंड टच में रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए और हमारे काम को भी फैलाते रहिए लोगों तक. धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए. धन्यवाद पंकज भाई. बाय बाय. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय बाय.